गुजरात में बीजेपी की इस जीत ने यह सिद्ध कर दिया है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं। गुजरात का दिल मोदी के लिए धड़कता है, मोदी गुजरात के, गुजरात मोदी का है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक, जादू एक बार फिर से गुजरात चुनावों में चला है। उनका कोई तोड़ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गुजरात की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है, उन्हें सर आंखों पर बैठाया है। कई सारे रिकॉर्ड भी ध्वस्त हुए हैं। एक तो एक ऐसा रिकॉर्ड बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने बनाया कि इससे बड़ी जीत आज से पहले किसी राजनीतिक दल की नहीं हुई। और वहीं कांग्रेस को बीजेपी ने अपनी इस जीत के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर गुजरात में ला दिया है। गुजरात में बीजेपी ने वो कर दिखाया है जो इसके पहले कभी किसी राज्य में बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी ने इस बड़ी जीत के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ डाले, कई रिकॉर्ड बना डाले। ये रिकॉर्ड तोड़ जीत है। जानते हैं, बीजेपी ने 2002 का 127 सीट जीतने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरात में बीजेपी की लगातार सातवीं जीत का रिकॉर्ड बना। बंगाल में लेफ्ट के 32 साल के शासन की बराबरी कर दी। बीजेपी के लिए ये जीत प्रचंड जीत है। ये जीत प्रचंड इसलिए भी है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा, और आज वैसा ही हुआ। नरेंद्र का जो 127 सीटों का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को भूपेंद्र पटेल ने तोड़ दिया और 150 प्लस सीटों के साथ जीत हासिल की है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस ने इससे पहले माधव सिंह सोलंकी की सरकार में 149 सीटों का जो रिकॉर्ड है वो बनाया था। ये वो आंकड़े हैं जो गुजरात में बीजेपी की शानदार जानदार छप्पर फाड़ जीत की कहानी बयां करते हैं। इसके साथ ही गुजरात में चप्पा चप्पा भाजपा का नारा भी सच हो गया। गुजरात की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे ज्यादा सीट भी बीजेपी को मिलेगी और अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर भी। कांग्रेचुलेट करता हूँ गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को भी, कांग्रेचुलेट करता हूँ हमारे कार्यकर्ता को भी, कांग्रेचुलेट करता हूँ। दिस इज द वन ऑफ द एवर बिगेस्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री इन द इलेक्शन। ये पहला गुजरात का चुनाव है जो सहज परिस्थिति में हुआ है, तो मुझे लगता है गुजरात में विकास के कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं और गुजरात की अस्मिता और उनके ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व की अपार लोकप्रियता के कारण यह ऐतिहासिक जनादेश आ रहा है। गुजरात में बीजेपी को इससे पहले इतनी बड़ी जीत कभी नहीं मिली। गुजरात में 1995 के बाद बीजेपी के आंकड़े पर नजर डालें तो ये जीत वाकई बहुत बड़ी नजर आएगी। 1995 में बीजेपी को 121 सीटें मिली, 1998 में 117, 2002 में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। मगर 2007 और 2012 में आंकड़ा फिर से घटा। 2007 में 117 और 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली। पाटीदार आंदोलन के असर से 2017 में बीजेपी 99 सीटों पर आ गई। मगर इस बार 150 के आंकड़े को पार कर बीजेपी ने गुजरात में 1985 के उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया जब कांग्रेस को 149 सीटें मिली थी। धरती को बदनाम करने वाले लोग, गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों को गुजरात की जनता ने चुन चुन कर जवाब दिया है। जिस प्रकार से मोदी जी और ये देश के प्रत्येक व्यक्तियों का दिल का संबंध है जी। वो संबंध को समझने की जरूरत है। गुजरात में भी कई लोग ये संबंध को समझ नहीं पाए थे, आज उसका परिणाम आप देख। इस ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए जहां 31 रैलियां और 3 रोड शो किए, वहीं अमित शाह ने 38 रैलियां की। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी 27 रैलियां कर बीजेपी के प्रचार को दमदार बनाया। एक तरफ बीजेपी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर प्रचार में पूरी ताकत झोंकी, वहीं कांग्रेस की तरफ से आए बयानों ने गुजराती गौरव और गुजराती अस्मिता के बीजेपी के मुद्दों को और मजबूत किया।
देखिए गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उनपे अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावों में औकात दिखाने जैसी बातें की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी तुलना रावण से कर दी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इस बयानबाजी से नुकसान ही हुआ, ऐसा नुकसान कि गुजरात में कांग्रेस ने अब तक का अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया है। 1990 में कांग्रेस को सबसे कम 33 सीटें मिली थी, मगर 2022 में कांग्रेस सिर्फ 16 सीट ही जीत सकी। में जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा कांग्रेस पार्टी। वो तो हो गया, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। गुजरात ने बीजेपी के पक्ष में प्रचंड जनादेश देकर साबित कर दिया कि पीएम मोदी पर निजी हमला करना कितना भारी पड़ता है। साथ में गुजरात ने यह भी साबित किया है कि मोदी का जादू गुजरात में बरकरार है। अहमदाबाद से गोपी घांघर और मिलन शर्मा के साथ देवंकुर और सईद अंसारी, गांधीनगर आज तक।